नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे लाइव साइट विजिट। आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार लग्जरी कोठी, जो कि 250 स्क्वायर यार्ड में 5 BHK कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। लोकेशन की अगर बात करें तो प्राइम लोकेशन सनी एनक्लेव, फ्रंट पॉकेट में आप बैठे हैं। न्यू सनी एनक्लेव भी इसको कहा जाता है। कमर्शियल जिस चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी डोर स्टेप पे ही कंप्लीट होती है, बिकॉज कमर्शियल आपके घर के बिल्कुल पास है, स्कूल आपके घर के बिल्कुल पास है, हॉस्पिटल आपके घर के बिल्कुल पास है, और तो और मंदिर गुरुद्वारा साहब, नेम द थिंग एंड यू विल गेट ऑन योर डोर स्टेप इटसेल्फ। तो आइए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, घर के अंदर घुसते ही जो पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे घर में गाड़ी की कितनी पार्किंग है, कितनी पार्किंग स्पेस आपको जो है बिल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि हर घर में आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो वर्किंग कपल मिलना बहुत ही आम बात है। उसके बाद 2 से 3 गाड़ियां आपके घर के अंदर ही, घर के आंगन में आप इसको पार्क कर सकते हैं, 1 गाड़ी आप घर के बाहर पार्क कर सकते हैं। गाड़ी की पार्किंग के साथ साथ आपको यहाँ पे किचन गार्डन भी डेडिकेटली दिया हुआ है, सो दैट कि कल को आपको ये फील ना हो कि यार ये चीज़ मेरे घर में मिसिंग है। उसके बाद आ जाते हैं, फ्रंट फेस में ही आपको वाटर टैंक भी मिल रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3000 लीटर्स का रहेगा, जिससे कि कल को आपको पानी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आ जाते हैं इसके एलिवेशन पे, जो कि टोटली टाइल एम्बेडेड रहेगा, फोकस लाइट इसमें लगी हुई है, जिसपे कि आपकी जो घर की शोभा है वो शाम को और भी सुंदर तरीके से निखर के आती है। सारा ही टाइल एलिवेशन है, फ्रंट फेस भी आप देखेंगे, ग्राउंड फ्लोर भी दिया हुआ है आपको, फर्स्ट फ्लोर भी, इवन की जो ममटी तक का जो रूफ टॉप है हमारा, सारा ही टाइल एम्बेडेड रहेगा। और सारे ही जो ग्लासेस आप देख रहे हैं जो हमारे बालकनीज में यूज हुए हैं, वो टफन ग्लासेस के साथ आपको सिक्योरिटी मिल रही है उसके साथ। अंदर चलते हैं दोस्तों। घर की खास बात क्या है कि जो ये 250 स्क्वायर यार्ड में कंस्ट्रक्शन की गई है, कि बहुत ही चीजें ध्यान में रख के की गई है, कि कल को अगर आप ग्राउंड फ्लोर यूज करते हैं, जो आउटर स्टेयर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अगर इसमें आप टेनेंट भी रखते हैं तो आपकी जो छत है वो आपके पास ही रहेगी, बिकॉज जो इसका आउटर स्टेयर का कॉन्सेप्ट है वो टिल ममटी तक आउटर स्टेयर आपकी जा रही है। तो आपको किसी भी, मतलब आपके जो टेनेंट रहेंगे या आप खुद उसको प्राइवेट यूज कर रहे हैं, फैमिली में यूज कर रहे हैं, आप उनकी सिक्योरिटी को हैम्पर नहीं करेंगे, उनकी प्राइवेसी को हैम्पर नहीं करेंगे, सीधा आप ग्राउंड फ्लोर से टिल ममटी छत आप एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने वेलकम वॉल को पीयू पॉलिश के साथ इसको प्रेजेंट किया हुआ है। वुडन का डिजाइन है इसके अंदर, लाइटिंग इसमें दी हुई है, साथ में टाइल वर्क किया हुआ है, बहुत ही शानदार जो लुक दे रहा है घर की वेलकम वॉल की। अब मेन गेट पे आ जाते हैं दोस्तों। मेन गेट आप अप्रोक्सीमेटली लेके चलिए, ये है 3.5x11 का इसकी डोर की हाइट रहेगी, जो कि जिसमें कि आपको शीशे वाला दरवाजा भी मिल रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल, और आपको वुडन पैनलिंग के साथ दरवाजा भी मिल रहा है ऑलरेडी। आ जाइए दोस्तों। तो दोस्तों, घर के अंदर घुसते ही हमारे पास जो स्पेस आता है वो आता है ड्राइंग और डाइनिंग का, और यही मैं आपको समझाना चाहूंगा पहले, बिकॉज हमारे पास किचन का ऑप्शन भी है, डाइनिंग भी है, लिव इन भी है। बट इस घर में क्योंकि 250 गज है तो हमारे पास जगह बहुत ही ज़्यादा है, और जो बहुत ही सुंदर तरीके से यूटिलाइज की गई है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो लिव इन एरिया है इस पूरे घर का, वो बहुत ही शानदार तरीके से यूटिलाइज किया गया है, और जिसको कि आप लेके चलिए कि वुडन वर्क जितना हो सकता था उतना बिल्डर ने किया है। ये हमारा टोटली, ये हमारा सिटिंग एरिया आ जाता है, जिसको आप ड्राइंग रूम भी कहते हैं, जिसको आप लिविंग रूम भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको मेंटेन किया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से इसकी जो आप कह सकते हैं इसका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। वॉलपेपर अगर आप देखेंगे बहुत ही शानदार, जो कि आपके कलर पैटर्न से बहुत मैच कर रहा है। वुडन का आपको पार्टीशन दिया हुआ है जिसके अंदर की लाइट्स रहेंगी, लाइट्स लगने से इनकी जो शोभा है, जो सुंदर है, जो इसकी सुंदरता निखर के आ रही है, बहुत ही चार चांद लगा रही है इस घर में। ऊपर अगर आप फॉल सीलिंग देखते हैं तो जो फॉल सीलिंग का भी डिज़ाइन है उसमें भी आपको वुडन पेंट टेक्सचर जो दिया हुआ है, जिससे कि जो आपका कॉम्बिनेशन है वो मेंटेन रहे पूरे घर में। और जो कॉब लाइट्स हैं, जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड लाइटिंग है, वो भी इस चीज़ को बहुत ही सुंदर तरीके से निखार रही हैं। फॉल सीलिंग के बाद बात करेंगे कि रूम की वेंटिलेशन क्या है नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको कॉर्नर विंडो भी आपको मिल रही है इसमें, जिसमें कि ऑलरेडी
स्टील का वर्क एंड ग्लास का वर्क ऑलरेडी किया हुआ है, अगेन एम्बेडेड विद वुडन एंड पीयू पॉलिश जो उसके ऊपर की गई है। साथ में आपको एल शेप विंडो मिल रही है जिससे कि आपकी जो नेचुरल लाइट है वो आपके घर में प्रेजेंट रहे, और साथ में आपके आगे आ जाता है एलईडी पैनल। इन केस अगर आप अपना सोफा या जैसे भी आपको इस रूम के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करनी है तो बहुत ही शानदार तरीके से होगी। यहाँ पे आपकी एलईडी पैनल, आप इसको अपना एलईडी वगैरह एलईडी कॉन्सेप्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं पूरे एरिया के। अब आ जाते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। ये हमारा पूरे घर का डाइनिंग एरिया है। अगर डाइनिंग एरिया की बात करेंगे आप, इतना बड़ा डाइनिंग एरिया इस कॉन्सेप्ट में लेके आना वाकई में ही एक बहुत शानदार चीज़ है। विद एलईडी पैनल, जो एलईडी पैनल का जो फेस है इसको स्पेसिफिकली ध्यान में रखा गया है कि किचन की तरफ रहे, क्योंकि किचन में जो भी अगर काम कर रहा है तो वो बोरियत फील ना करें, उसके लिए एंटरटेनमेंट इन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिया हुआ है आपको। यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल आ जाता है, 7 सीटर अगर आपने लगाना है अपना डाइनिंग टेबल, और 6 सीटर और 8 सीटर अगर आपकी, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है फैमिली की, इतना काफ़ी स्पेस है जो आप इसको ऑलरेडी मतलब अच्छे तरीके से इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगेन फॉल सीलिंग पूरे घर में, जहाँ तक कि मतलब मैं देख रहा हूँ इसको पूरे घर को, तो इसमें जो फॉल सीलिंग है वहाँ पे वुडन कॉन्सेप्ट आपको पूरे घर में मिलेगा देखने को, और आप भी देखेंगे कॉब लाइट्स के साथ। वॉलपेपर बहुत शानदार, हर एक कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा वुडन कॉन्सेप्ट है इसके बैक साइड पर जो वॉलपेपर है बहुत ही सुंदर तरीके से इसको भी शोभा, मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि 4 चांद इसमें लगा रहा है ये। अब आ जाते हैं अपने मेन एरिया की तरफ, विच इज कॉल्ड किचन। मॉड्यूलर किचन कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है, सॉफ्ट क्लोजर के सारे रैक्स रहेंगे। बहुत ही शानदार कलर कॉम्बिनेशन भी यूज किया गया है। फ्रंट पे आपके मार्बल टॉप रहेगा, ऊपर आपके हाइड्रोलिक रैक्स रहेंगे, साउंड प्रूफ सिंक के साथ आपको जो है किचन में हर एक चीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल रही है विद टॉल यूनिट। और जो इसकी वेंटिलेशन विंडो अगर आप देखेंगे तो अगेन इसमें भी जो है आयरन का काम किया हुआ है, स्टील आपको ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल मिल रहा है फॉर द सेफ्टी पर्पस, फॉर द वेंटिलेशन पर्पस एंड फॉर द नेचुरल लाइट एज वेल। अगेन इसका जो पार्टीशन देखेंगे अगर आप, किचन का जो एंट्रेंस है ये सारा ही वुडन एम्बेडेड रहेगा विद फोकस लाइट। ये आपकी टॉल यूनिट है जो ऑलरेडी इंस्टॉल है घर के अंदर। और जो किचन में भी अगर बात करें तो इधर भी बिल्डर ने फॉल सीलिंग का ध्यान रखा हुआ है। किचन में भी अगर आप देखेंगे तो वुडन टच आपको जो है डाउन सीलिंग मिल रही है विद कॉप लाइट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इसमें भी। अब आ जाते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। स्वागत है आपका हमारे बेडरूम्स में। आप बेडरूम्स अगर आप बात करें तो बेडरूम में हर आदमी चाहता है कि आए एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। वैसे तो ये पूरे घर के अंदर ही होता है बट बेडरूम एक ऐसा स्पेस है कि जहाँ पे आपकी प्राइवेसी आपको कंसर्न रहती है, तो इस चीज़ के मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को जो कैलकुलेटिवली इन्होंने डिज़ाइन किया है बहुत ही शानदार, स्पेस वाइज भी, कॉम्बिनेशन भी और आपकी प्राइवेसी भी। तो आपका जो ये मास्टर बेडरूम है इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बिल्डर ने कि आपका जो स्टोर रूम है, और इसको अगर आप पूजा रूम यूटिलाइज करना चाहते हैं, स्टोर रूम रखना चाहते हैं, तो आपका बेडरूम से ही इसका एंट्रेंस है जो कि पूरे घर से अलग रहेगा ये, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। वॉलपेपर अगर आप देखेंगे अगेन बहुत ही शानदार अलमीरा का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, सॉफ्ट क्लोजर डोर्स रहेंगे इसके, अगेन डिज़ाइन ऑन द डोर्स ये बहुत शानदार चीज़ लग रही है। पीयू पॉलिश के साथ आपको मिल रहे हैं शू रैक्स आपकी, मैं खोल के दिखाना चाहूँगा आपको, जो कबर्ड रैकिंग है ऊपर आपकी यूटिलिटी एरिया इन्होंने जो मेंटेन करके दिया वो बहुत ही शानदार दिया हुआ है। इसके बाद आ जाता है आपका एलईडी पैनल जो कि बिल्कुल फेस करेगा आपके बेड के, कि अगर आप शाम को आके इंजॉय कर रहे हैं अपने बेड में, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप, तो अपने टीवी के साथ आप रिलैक्स हो सकते हैं, शाम की पूरे दिन की थकान आप अपने टीवी के साथ उतार सकते हैं इसमें। अब बात करेंगे ड्रेसिंग एरिया की, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो ऑब्वियस ही बात है इसमें जो ड्रेसिंग एरिया है वो भी आपको अलग ही मिलेगा। तो ड्रेसिंग एरिया में क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आपका जो मिरर है उन्होंने फुल हाइट आपको मिरर दिया हुआ है, नीचे आपके रैक्स आ जाएंगे, साथ में आगे आपका वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम भी काफी स्पेशियस है,
रूफ टॉप, इसकी टाइलिंग आप जो देख रहे हैं ऊपर तक की हुई है, फॉल्स सीलिंग का अगेन ध्यान रखा गया है, डाउन सीलिंग में कॉब लाइट्स इसमें इंस्टॉल मिलेंगी, वॉशरूम आपको फुली लोडेड मिलेगा विद ब्रांडेड फिटिंग्स एंड वारंटी कार्ड इटसेल्फ। अब आ जाते हैं फॉल्स सीलिंग रूम की भी बात हमने नहीं की, मैं बात करना चाहूंगा फॉल्स सीलिंग जो है कमरे की डिजाइनदार बहुत ही शानदार, अगर आप देखेंगे ऊपर कॉब लाइट जिसमें भी इंस्टॉल है, वुडन वर्क इसमें भी किया हुआ है और हर एक कमरे में एक यूनिक डिजाइन आपको दिया हुआ है सो दैट कि आपको बोरियत फील ना हो अपनी फॉल्स सीलिंग देख के। आइए अब चलते हैं वॉशिंग एरिया की तरफ। अब जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 250 गज है ये, अप्रॉक्सीमेटली 10 मरले के राउंड एक घर है, तो 10 मरले में वॉशिंग एरिया भी आपको काफी खुला डुला ही मिलता है। तो अब वॉशिंग एरिया देखिए कि इसको आप एज अ पेंट्री सेक्शन भी इसको यूज कर सकते हैं बैक एरिया को, इसमें अगर आपने कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर करना है फैमिली के साथ आप वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और एल्स अगर शाम की चाय की चुस्कियाँ अगर आपने घर में लेनी है अपने फैमिली के साथ बैठ के तो आप वो भी बहुत शानदार तरीके से बहुत ही रिलैक्सिंग मोड में आप इस एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं। पीछे भी आपको प्रॉपर टाइल वर्क किया हुआ है, नीचे भी आपको साइड वॉल पे भी सारा टाइल वर्क ही मिलेगा, और जो एरिया है ये सारा ओपन टू स्काई रहेगा फॉर द वेंटिलेशन पर्पस ओपन, कि जिससे कि कल को आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम पूरे ही घर में ना आए। चलते हैं अब अपने दूसरे कमरे की तरफ। दोनों ही रूम्स की जो कनेक्टिविटी है वो आपकी वॉशिंग एरिया यूटिलिटी एरिया से दी गई है सो दैट कि आपको किसी भी रूम से अगर बैक एरिया आपको यूटिलाइज करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, किसी दूसरे कमरे की आप प्राइवेसी यहाँ पर नहीं करेंगे। तो बात करते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है 250 गज का, G+1 की कंस्ट्रक्शन है, तो नीचे जो आप ग्राउंड फ्लोर पे अगर हम बात करें तो 2 BHK ड्राइंग डाइनिंग विद किचन आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड बेडरूम जो हमें मिल रहा है इस घर में। सेकंड बेडरूम में भी सेम एमिनिटीज जो आपने फर्स्ट बेडरूम में मास्टर बेडरूम में देखी थी, सेम एमिनिटीज आपको सेकंड बेडरूम में मिल रही है। रूफ टॉप आपके कबर्ड्स आ जाएंगे इस घर में। जहां तक कि मेरे को समझ आ रहा है कि आपकी जो स्टोरेज है उसका बहुत अच्छे शानदार तरीके से ध्यान रखा हुआ है कि कल को फैमिली बढ़ती है आपकी या स्टोरेज आपको सामान आपका घर का बढ़ता है तो स्टोरेज की प्रॉब्लम ना आए आपको। तो आप देखेंगे दोनों ही कमरों में जो आपको रूफ टॉप कवर्स दिए जा रहे हैं, नीचे आपके शू रैक्स अलग से दिए जा रहे हैं और दोनों ही कमरों में ड्रेसिंग एरिया आपका अलग है, कि इन फ्यूचर अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है स्टोरेज की तो इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेडरूम की बात करें तो LED पैनल आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहा है जो कि कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही फिट बैठता है, और आपका जो वॉलपेपर है इसमें भी अगेन आपको इंस्टॉल मिल रहा है। डाउन सीलिंग की बात करेंगे वुडन टच अगेन पैनलिंग के साथ आपको डाउन सीलिंग मिल रही है और कॉब लाइट्स। इस घर में लाइटिंग का खर्चा बिल्कुल भी नहीं है तो इस एक कहीं ना कहीं आपके खर्चे भी बचाए गए हैं पूरे घर में ही, जो लाइटिंग वगैरह का जो एक्स्ट्रा हमारे पे बर्डन पड़ता है घर लेने के बाद तो वो उन चीज़ों का भी ध्यान रखा हुआ है, कहीं भी आपने किसी भी तरह की लाइट का कोई खर्चा नहीं करना है इस घर में। आ जाते हैं हम अपने ड्रेसिंग एरिया की तरफ। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट में आपको मिरर मिल रहा है, ड्रेसिंग एरिया मिल रहा है स्पेसिफिकली जो कि आपके कबर्ड्स के साथ रहेगा नीचे। अब आ जाते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। काफी खुला डुला स्पेशियस है क्योंकि 10 मरले का हमारा घर है तो ऑब्वियस ही बात है हमें जो वॉशरूम मिलने वाला है वो भी काफी स्पेशियस ही रहेगा। रूफ टॉप इसमें भी आपको जो है टाइल वर्क एम्बेडेड मिलेगा, ये ऑलरेडी आपकी जो टाइल्स हैं लगी हुई रूफ टॉप। कंसील्ड टैंक का कॉन्सेप्ट आजकल आपको बहुत ही आम देखने को मिलेगा कि हर घर में आज के टाइम में, क्योंकि न्यूली जनरेशन जो है बिल्डर्स भी न्यूली टेक्निक्स लेके आ रहे हैं घर में, तो इसमें भी न्यूली टेक्निक का ही यूज इस्तेमाल किया गया है। आपको जो है वॉल हैंगिंग सीट्स आपको मिलेंगी, इसमें शावर्स आपको मिलेंगे, आपको मॉड्यूलेटर टैब्स इसमें आपको मिलने वाले हैं पूरे घर में। तो ये तो था हमारा ग्राउंड फ्लोर। जैसे कि मैंने आपको कमरे के अंदर भी बताया था कि जो कॉन्सेप्ट है वो G+1 ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर एंड टॉप पे आपको मल्टी मिल रही है। तो जो ग्राउंड फ्लोर का टूर था हमारा, इसमें आपको अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपको ड्राइंग एरिया मिल रहा है, लिविंग एरिया मिल रहा है, किचन, 2 rooms अटैच विद योर ड्रेसिंग एरिया, देन ये वॉशरूम प्लस स्टोर एंड बैक साइड पे आपका यूटिलिटी एरिया मिल रहा है। आइए चलें आप फर्स्ट फ्लोर पे। स्टेयर कॉन्सेप्ट है तो बाहर से ही पौड़ी रखी गई है घर की। जो स्टेयर चढ़ने में जो कंफर्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा हुआ है कि कल को अगर घर में बुजुर्ग भी हैं तो उन्होंने भी अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या छत पे जाना है तो उनके नीज में प्रॉब्लम ना आए, उनको जोर ना पड़े,
तो उसके लिए जो आप पेवर की हाइट देख रहे हैं ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल दी गई है विद SS की रेलिंग इसमें आपको मिल रही है। बहुत ही मजबूत है ये, जिसके सहारे से आप छत तक आराम से पहुंच सकते हैं। आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे आते ही जो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो हमारी बालकनी रहेगी वो किस तरह से यूटिलाइज की गई है, उसको कितना सुंदर बनाया गया है, उसके सामने व्यू क्या है, ये सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं जब हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। तो बालकनी अगर आप देखेंगे तो 4 फीट से ज्यादा की आपको बालकनी मिल रही है विद एक्रेलिक डिजाइन इसमें आपको दिया हुआ है। शीट इसमें यूज की गई है एक्रेलिक, जो कि आपकी फर्स्ट फ्लोर से लेकर मम्टी तक जा रही है ऊपर तक, और जो आपकी रेलिंग है उसमें टफन ग्लास का यूज किया गया है कि अगर कल को घर में बच्चे भी हैं, इसकी हाइट अकॉर्डिंगली दी गई है कि बच्चे लटक ना सकें, इसमें आप कंफर्टेबली इसमें खड़े होकर बाहर के नज़ारे का लुत्फ ले सकते हैं। आप आते हैं अब अंदर के ऑफ चलेंगे अपनी बालकनी के बाद। सिटिंग एरिया इसको कहा जाता है, किसी भी आप घर को अगर आप देखेंगे जो बाहर का आपका एरिया है वो मोस्टली आपको सिटिंग एरिया कॉन्सेप्ट पे ही मिलेगा। तो इसका जो फर्स्ट फ्लोर है इसकी बात करें, इसमें भी अगेन टाइल जो कॉन्सेप्ट हमारा ग्राउंड फ्लोर पे दिया गया है वही फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको टाइल कॉन्सेप्ट वेलकम वॉल पे मिल रहा है। फॉल सीलिंग अगेन यहाँ पे भी दिया हुआ है। हैंगिंग वॉल फैन का इसमें ध्यान रखा हुआ है कि अगर आपने फैन इसमें इंस्टॉल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज सिटिंग एरिया शाम की चाय अगर आप यहाँ पीना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अगेन सेम आपका डोर रहेगा इसमें, सेम ही साइज ऑलमोस्ट आपको जो नीचे मिल रहा था ग्राउंड फ्लोर में वही दिया गया है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो फर्स्ट फ्लोर है हमारा इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। इस फ्लोर पे जैसे कि हमारे नीचे 2 कमरे थे, यहाँ पे आपको 3 रूम सेट दिया गया है कि कल को अगर आप रेंटल पे भी इसको चढ़ाते हैं तो आपको जो रेंटल वैल्यू है वो बहुत ही अच्छी आपको आ सके। तो ये जो हमारा आप देख रहे हैं ये हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया इसमें दिया हुआ है, जो कि आपको LED पैनल माउंटेड मिल रहा है। इसमें रैक्स आपको बहुत ही शानदार तरीके से यूटिलाइज किया गया एरिया है। रैक्स आपको ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल मिल रहे हैं विद वॉलपेपर, वुडन टच आपकी डाउन सीलिंग है, कॉप लाइट्स हैं, बहुत ही शानदार आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार इसमें ये लुक दे रहा है पूरे घर की। किचन में आते हैं, किचन आपको सेम एज इट इज जैसे नीचे मिल रही थी वही सेम साइज है। इतनी बड़ी किचन है कि अगर आप घर में 3 लेडीज 4 लेडीज भी एट अ मोमेंट काम कर रहे हैं तो आपको कहीं भी कंजेशन फील नहीं होगा। अगेन इसमें भी टॉल यूनिट का ध्यान रखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको टॉल यूनिट मिल रही है ऑलरेडी इंस्टॉल। सॉफ्ट क्लोजर रैक्स हैं आपके, साउंड प्रूफ सिंक है, वेंटिलेशन विंडो है, ऊपर रैक्स दिए गए हैं आपको। अगेन फॉल सीलिंग यहाँ पे भी किचन में दी हुई है, कॉब लाइट्स, वुडन टच रहेगी है, और पैनलिंग के साथ इसका जो है वेलकम किया हुआ है किचन का, जो वेलकम वॉल आप देखेंगे इसको पैनलिंग में कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है पैनल्स के कॉन्सेप्ट। चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, आ जाइए। रूम का जो साइज है, जैसे ग्राउंड फ्लोर की बात करें या फर्स्ट फ्लोर की बात करें, तो आप देखेंगे ये 14x14 से खुले ही कमरे हैं कि लेट्स से अगर आपका बेड किंग साइज भी है, 7x7 का, 6x6 का अगर बेड है, तो उसके बेड के लगाने के बावजूद भी जो एरिया बचेगा आपका वॉकिंग स्पेस जो रहेगा बेड के अराउंड द कॉर्नर्स पे, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली आप इसमें मूवमेंट कर पाएंगे पूरे ही रूम में, क्योंकि जो रूम साइज है बहुत ही शानदार है। इसमें भी आपको रूफ टॉप कबर्ड्स मिल रही हैं, वॉलपेपर ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहा है, LED पैनल सेम कॉन्सेप्ट जो आपने नीचे देखा था वही आपको ऊपर मिल रहा है, ड्रेसिंग भी साथ में ही है हमारे, फॉल सीलिंग वुडन टच रहेगी पूरे ही घर में, वुडन टच जो है वुड का बहुत ही शानदार काम किया गया है। फॉल सीलिंग में कॉब लाइट्स आ जाएंगी आपकी, आगे आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, जो हमें ग्राउंड फ्लोर पे सेम कॉन्सेप्ट जो हमें मिल रहा था वही सेम कॉन्सेप्ट पे जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है रेडी किया हुआ है। इट इज़ जस्ट यहाँ पे जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो आपके टाइल वर्क्स में मिलेगा, जो आपके बाथरूम में यूटिलाइज हुआ है, जो आपके फॉल सीलिंग के डिज़ाइन हैं उनमें आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, बाकी अगर हम लेआउट की बात करें तो सेम एज इट इज़ ये पूरे ही घर में आपको देखने को मिलेगा। हमारे ड्राइंग एरिया से ही सेकंड रूम की कनेक्टिविटी भी दी गई है, इन केस अगर यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल लगाने के बाद अगर आप स्पेस देखेंगे तो तीनों रूम्स की जो इंटरकनेक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है कि कोई भी आराम से वॉकिंग आप किसी भी रूम में आराम से आ जा सकते हैं। सेकेंड रूम में आ जाते हैं अपने, बहुत ही सुंदर मैं बोलना चाहूँगा आपको,
जो कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं हर एक कमरे का टोटली डिफरेंट है। किसी भी रूम में आपको ये नहीं मिलेगा कि यार ये रूम में ये चीज़ तो उस रूम में भी देखी थी। लेआउट को छोड़ के जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो डिज़ाइंस हैं, जो वॉलपेपर्स हैं, हर एक चीज़ का मैं बताना चाहूँगा आपको कि छोटी से छोटी चीज़ का इसमें ध्यान रखा हुआ है। इसमें भी कबर्ड आपको रूफ टॉप ही मिल रहे हैं सॉफ्ट क्लोजर के साथ। कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे वॉलपेपर का, आपका एलईडी पैनल का या आपके कबर्ड्स का, तीनों का मैचिंग में है। इवन की जो डोर्स हैं, जो वुडन इसमें यूज़ हुई हुई है, उसके ऊपर जो पॉलिश हुई है, ये भी सारा एक कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। ऊपर आप देखेंगे अगेन वुडन टच, आपकी फॉल सीलिंग आ जाएगी, कॉप लाइट्स उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल रहेंगी, एलईडी पैनल बहुत ही सुंदर सा लग रहा है मेरे को, वो भी ऑलरेडी आपको इंस्टॉल मिलेगा इसमें। अंदर ड्रेसिंग एरिया की बात करेंगे, ड्रेसिंग एरिया भी सेम ही थीम रखी गई है। थीम अगर आप देखेंगे पैनलिंग की तो सेम ही है इसमें भी। और वॉशरूम अगेन बहुत शानदार, इसमें भी आपको डिफरेंट ही टाइल कॉन्सेप्ट मिल रहा है। टाइल का जो कलर है वो कॉम्बिनेशन चेंज है यहाँ पे, बाकी एमिनिटीज वाइज सेम ही रहेगा। आपका वॉल हैंगिंग सीट आ जाएंगी, शावर्स आ जाएंगे, आपके मॉड्यूलेटेड टैप्स आ जाएंगे। अब चलेंगे अपनी बालकनी की तरफ, जो हमारी फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको बालकनी मिल रही है। इस एरिया को अब आप एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपने वॉशिंग एरिया यूटिलाइज करना है तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। अगर इसको आपने ओपन एरिया यूटिलाइज करना है, और एल्स इसमें अगर आपने कोई स्टोर बनाना है जो कि ब्रिक का नहीं रहेगा, कोई भी फाइबर का अगर आपने स्टोरेज बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज दिस स्पेस। चलते हैं अब अपनी छत की तरफ। दोस्तों मोस्टली जो अगर आप घर देखेंगे तो उसमें 2+2 का ही कॉन्सेप्ट जो है यूज हुआ होता है, बट यहाँ हमारे पास जगह ज्यादा है, प्लॉट साइज बड़ा है, 10 मरले का प्लॉट है, तो इधर जो जगह की यूटिलाइजेशन है वो तो बहुत ही शानदार तरीके से की गई है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो है आपको एक एक्स्ट्रा रूम एड ऑन आपको फीचर मिल रहा है इसमें, कि रूम प्लस आपका ड्रेसिंग एरिया देन आपका वॉशरूम जो है आपको इस कॉन्सेप्ट में मिल रहा है। तो ये हमारा थर्ड रूम है, ऑल ओवर फिफ्थ रूम रहेगा अगर हम ग्राउंड फ्लोर से इसको काउंट करेंगे। अगर फर्स्ट फ्लोर का काउंट करेंगे तो हमारा थर्ड रूम है, जिसमें कि आपको वॉलपेपर बहुत शानदार अगेन मिल रहा है, एलईडी पैनल ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहा है, एल शेप में आपको इसमें विंडो मिल रही है फॉर द वेंटिलेशन पर्पस, नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर। अभी तक हम ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर तक आए हैं तो हमें कंजेशन कहीं फील नहीं हुआ वेंटिलेशन के लिए स्पेसिफिकली। तो एसी की जो वायरिंग है पूरे ही घर में आपको ऑलरेडी डन मिलेगी इसमें, हर एक कमरे में, ड्राइंग एरिया में, ड्रेसिंग में, आपके वॉशरूम्स में, आपके फैन तक की फिटिंग के लिए आपको प्रोविजन दिए गए हैं, बाहर यूटिलिटी एरिया में आपको प्रोविजन दिए गए हैं। वुडन टच आपकी अगेन फॉल सीलिंग पूरे ही घर में रहेगी, कॉब लाइट्स के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल। चलते हैं अपने ड्रेसिंग एरिया की तरफ, जो इसमें के जो कबर्ड्स हैं, कबर्ड्स में ही आपको जो है मिरर पेस्टेड मिल रहा है, जिससे कि आपको ड्रेसिंग अलग से नहीं ढूंढना पड़ेगा। दिखाइए प्लीज। ये आगे हमारा वॉशरूम आ जाता है जिसमें कि अभी लाइट नहीं है, सो आप समझ जाइएगा कि जैसे आपने पहले वॉशरूम देखे हैं सेम ही कॉन्सेप्ट में ये वॉशरूम भी आपका तैयार होगा। अब चलेंगे हम अपने छत की तरफ, टेरेस की तरफ, क्योंकि आउटर स्टेयर है तो हमें बाहर से ही जाना पड़ेगा। वही एसएस की रेलिंग जो है वो कंटिन्यू हो रही है हमारी, वही स्टेयर्स हमारी हमें छत की तरफ लेके जा रही हैं, बट पहले हमारी मम्टी है, फिर उसके बाद हमारी ओपन टेरेस का कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। तो आइए प्लीज चलते हैं अपने टेरेस की तरफ। अब ममटी की बात करें तो ममटी एक एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको दी जाती है, स्टोर रूम आपको इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप जो देखेंगे एक्रेलिक शीट जो हमारी है लाइट के साथ बहुत ही सुंदर लग रही है, जो हमारे फर्स्ट फ्लोर से लेके टिल हमारी ममटी इसको इंस्टॉल किया गया है। तो ये हमारा जो स्पेस है ये आपका एक स्टोरेज एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर जो आपको घर के अंदर मिल रहा है। ममटी के बाद आते हैं हम अपने ओपन टेरेस पे। दोस्तों इतना बड़ा टेरेस, इसको टेरेस को आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से तैयार करा सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एरिया को। लेट्स से कि आप इसमें आर्टिफिशियल ग्रास लगा के इसको एक पार्क कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, अगर शौकीन हैं तो इसको आप बार कॉन्सेप्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं, और एल्स इसको आप नॉमिनल भी यूटिलाइज कर सकते हैं, सो दैट आपके जो घर की जितनी भी वेस्टेज है या आपके जो घर की जो आउटर स्टोरेज है उसको आप छत पर मेंटेन कर पाएं। छत पर आपको जो बेसिकली मिल रही हैं दो चीज़ें, एक तो आपके वाटर स्टोरेज आपको मिल रहा है 1000 लीटर्स का दोनों ही फ्लोर्स के लिए,
हर आपके घर की जो वेंटिलेशन रहेगी वो आपको यहाँ पे मिल रही है, और फ्रंट में व्यू तो ऑब्वियस ही बात है आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारे घर का छत का व्यू है जो आप देख सकते हैं। फ्रंट में 60 फीट वाइड रोड है जो कि आपको 200 फीट रोड से कनेक्ट कर रही है, एयरपोर्ट रोड से। जिसकी हम बात करें तो एयरपोर्ट रोड आपके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे रहेगा। सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ही शानदार एरिया है, बिकॉज ये जो एरिया है ये फ्रंट सनी इनक्लेव का एरिया है। सामने ही सोसाइटी है जो कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा 250 स्क्वायर यार्ड 5 BHK कोठी कॉन्सेप्ट का टूर। तो नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेंशन ज़रूर कीजिए कि कैसा आपको घर लगा, और जो नई नई चीज़ें आप देखना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि हमें 2 BHK 3 BHK ओपन कोठीज़ की बहुत हमें डिमांड आती है कि हमें ये भी दिखाइए वो भी दिखाइए, तो वी आर ट्राइंग आर बेस्ट। जैसे जैसे मार्केट में कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है वी ट्राई जितनी जल्दी आपके पास पहुँचा सकें वो हम कोशिश करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।